वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप दोनों हजरात को सलाम। हजरत आपकी आपका खुतबा आपके बयान बहुत लाजवाब होते हैं। आपके हर मौजू और आप इतने अलग से मौजू लेकर आते हैं। अल्लाह ताला रहम टीवी को दिन दुनिया रात चलने तरक्की अता फरमाए। आप सबके सारे प्रोग्राम जो आपसे मुंसलिक हैं बहुत यूनिक होते हैं, बहुत ज्यादा इल्म में इजाफा होता है हजरत। मतलब हम तो मैं तो सोच नहीं सकती कि हजरत के इतना इतना आसान तरीके से वो चीजें समझ में आ जाती हैं। आपके सारे प्रोग्राम बड़े जौक शौक से दिखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जजाए खैर अता फरमाए, आपकी सारी परेशानी तकलीफ दूर फरमाए और खासतौर पर रहम टीवी को अल्लाह ताला दिन दुनिया ज्यादा तरक्की अता फरमाए। अगर मेरे दो सवाल आते हैं, मेरी बेटी है उसके एग्जाम होने वाले हैं 11वीं में है, तो उनको पढ़ने के लिए कुछ चाहिए ताकि उनका बहुत ही मुश्किल पेपर है वो हल हो सके। और दूसरा ये है कि अगर मुझे कोई तफसीर बता दीजिए आपकी रहनुमाई के अंदर जो मैं अपने बच्चों को घर में पढ़ा सकूं, क्योंकि मेरा जाना मुश्किल होता है कहीं, तो मैं अपने घर में बच्चों को जरा आसान सी तफसीर बता दीजिए और वो कैसे मिलेगी वो भी बता दीजिए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। माशा सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया और आपका इजहार हुसन जन जो है, अल्लाह इसको हकीकत से बदले और वाकई अल्लाह ताला इल्म व हिकमत का ख़जाना हमें अता फरमाए और हम जो आगे तकसीम करने वाले बने और हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। अल्लाह आपकी दुआओं को हमारे हक में कबूल फरमाए। जहाँ तक पहले सवाल का ताल्लुक है तो उनको या अलीमु या नासिरु 150 मरतबा या अलीमु या नासिरु पढ़ना है फजर के बाद और असर के बाद। खुद पढ़ के सीने पे दम कर लिया करें और कामयाबी की दुआ कर लें, या ये कि आप जो पढ़ के उनके लिए कर लें, तो ये दोनों तरह सही है। तो रिजल्ट आउट होने तक ये इस अमल को जारी रखना है, इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व ताला जो आसान कर देंगे। और दूसरा आप जो कह रहे हैं कि तफसीर बच्चों के लिए, उसके लिए दरस कुरान के नाम से एक तफसीर है, दरस कुरान मौलाना मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरस कुरान, तो वो एक वाज़ के अंदाज़ में है, तो वो दरस कुरान वो तफसीर आप ख़रीद लें। उसके 30 वॉल्यूम हैं, 30 एक एक पारे की बनी हुई है, या ये कि यहाँ हमारे मकतबे से मंगवा लें जो वो ऑफिस में कॉल करके, तो वो 30 पारे, तो वो रोज़ाना जो है एक पारे में खोल के उसका स्टाइल ही वाज़ वाला स्टाइल है, तो बिठा के बच्चों को उसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ पढ़ के सुनाते रहें, इंशाल्लाह बहुत आसानी के साथ बच्चों को तफसीर के नुकात और वाक़यात याद हो जाएंगे। बाकी मैं दिल से दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया।